सो है यूट्यूब फैमिली अगेन वेलकम बैक टू अनदर माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे गाइस। सो गाइस अभी अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और अभी अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। सो गाइस देख सकते हो कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल गांधी मैदान से। हमारे पीछे देख सकते हो ये है विश्वमान भवन और ये रहा SBI का बिल्डिंग और ये रहा अपना गांधी मूर्ति, जो कि गांधी मैदान का पहचान है। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति का ही पहचान, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना गाइस। देख सकते हो अभी सुबह सुबह मैं रूम से निकला था, गांधी मैदान आया, रनिंग एक्सरसाइज बिल्कुल हो चुका है कम्प्लीट। ये बढ़िया था गुरु बट सोचा आज आप लोग के लिए ब्लॉग भी कर लूँ, तो फाइनली ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया हूँ गाइस। देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है, ये पटना का गांधी मैदान है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल एकेडमी वाले हैं, जो कि हम अप्रोक्स तो गिन नहीं सके हैं जो कितने फिजिकल एकेडमी वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल एकेडमी वाले हैं। आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे काफ़ी भीड़ है गाइस, और अभी हम अपने बैक कैमरा से आप लोग को दिखाएंगे भी गांधी मैदान का तस्वीर, जो किस तरह का सुबह माहौल रहता। अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम का फिजिकल भी होने वाला है, जैसे हो गया ये फायरमैन का, SI का और SSC GD का, जो कि हाल फिलहाल में रनिंग होने वाला है गाइस देख सकते हो। और SSC GD का तो डेट भी दे दिया है और उसका फाइनली मतलब होने वाला है रनिंग। सो गाइस देख सकते हो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सुबह में आके फिजिकल करते हैं, और अभी हम चलते हैं और आप लोग को अपने बैक कैमरा से दिखाएंगे पूरा गांधी मैदान का तस्वीर। सो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हम अपने बैक कैमरा से आप लोग को दिखा रहे हैं सुबह का नज़ारा गांधी मैदान पटना का। देख सकते हो गाइस विद्यार्थी से और स्टूडेंट से खचा खच बुरा घर भरा हुआ खचा खच भरा हुआ। इधर गाइस देख सकते हो अपना विश्वमान भवन, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। आप लोग देख सकते हो हम अपने बैक कैमरा से दिखा रहे हैं, अभी फिलहाल फिजिकल होने वाले हैं। सो फिजिकल के तैयारी में सभी बच्चे लगे हुए हैं, और इधर भी देख सकते हो गाइस एक्सरसाइज करवाया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे रनिंग भी कर रहे हैं, पूरा एकदम भीड़ लगा हुआ है गाइस देख सकते हो। अभी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, देख सकते हो, ओहो भाई इतना भीड़, क्या करोगे यार, थोड़ा कैमरा क्वालिटी आप उनका ख़राब है, कोई बात नहीं आप लोग सपोर्ट करो। सहनी हमें सजा है, हम हैं। और गाइस इधर देख सकते हो अपना सूरज भगवान का रोशनी, सूर्योदय होते और गाइस देख सकते हो हम अपने बैक कैमरा से दिखा रहे हैं आप लोग का गांधी मैदान का तस्वीर। देख सकते हो ये गांधी जी का मूर्ति है, गांधी जी बिल्कुल एकदम सुबह सुबह चमक रहे हैं। बाजारों के सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो। सच में यार पहले इतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहता था, जब से मोनोलक स्टेडियम बंद हो गया तब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भीड़ होने लगा। आप लोग देख सकते हो हम पीछे वीडियो में दिखाए ही, और इधर भी देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगा। पाँच मिनट 4 सेकेंड अंतिम राउंड है, लास्ट राउंड,
लास्ट राउंड भागिए, पांच ना लास्ट राउंड बारह भागिए, पांच चौदह लास्ट राउंड, पांच चौदह लास्ट राउंड है भागिए, पांच बीस लास्ट राउंड और अंत चक्कर है, पांच चौवालीस, पांच चौबीस सॉरी पांच पच्चीस, यहाँ तक सब क्वालिफाई है, आ जाओ जल्दी, पांच तीस एक मिनट का राउंड मारे, पांच बत्तीस एक मिनट मारे राउंड, पांच पैतीस, पांच छत्तीस, पांच अड़तीस, पांच बयालीस भागो यार खींच के थोड़ा, पहला लड़का, पहला लड़का पांच इक्यावन रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। और गाइस जैसे देख सकते हो हम अपने पीछे वीडियो में दिखाई, काफ़ी संख्या में युवा अभ्यर्थी जो है तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे गाइस पूरा एकदम गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ, लड़का एवं लड़की से वो भी बूढ़े से सब तरह के यहाँ पे बच्चे हैं, एकदम जबरदस्त तैयारी में लगे हुए हैं। गाइस देख सकते हो सुबह 4 बज के उठ के आना, जगना और रनिंग करना, एक्सरसाइज करना कितना कठिन बात है वो तो आप लोग खुद जान रहे होंगे। आप लोग नहीं आप लोग देख सकते हो ये हमारे पीछे घातक है, जिसको अभी हम तो जानते हैं घातक एकेडमी, इसलिए इधर अपना गुरुजी हैं, इनको भी जानते हैं, गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर पटना जो कि काफ़ी फेमस है, और बहुत सारा बच्चा भी यहाँ पे अपना फिर एक ले हो गया चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि अभी तो यहाँ पे नहीं आया, बट उसके कुछ बच्चे लोग यहाँ पे अपना खुद अकेला रनिंग कर रहे हैं। गाइस देख सकते हो ये हमारे पीछे पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है, एकदम फिजिकल में लगे हुए हैं, पता नहीं ये सरकार साला ना ही वैकेंसी दे रही है, ना ही एयरफोर्स का एग्ज़ाम लिया, एयरफोर्स का एग्ज़ाम का रिजल्ट भी अभी नहीं दिया है। गाइस आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे कुछ ऐसे एकेडमी वाले हैं जो कि यहाँ पे नहीं आए हैं, जैसे कि हो गया चाणक्य फिजिकल एकेडमी वाले, बट घातक वाले जो हैं अभी यहीं पे फिजिकल का ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो ये पीछे है घातक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, जिसको कि हम जानते हैं इसलिए आप लोग को बता रहे हैं गाइस। और इधर भी अपना गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी काफ़ी बच्चा, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा बच्चा गुरुजी फिजिकल के पास ही है। सो गाइस देख सकते हो अभी गांधी मैदान, फिर तो गांधी मैदान आना जाना रहता ही है। सो फिर कभी ब्लॉग बनाकर आप लोग को दिखाएंगे गांधी मैदान सुबह का तस्वीर गाइस। और ये गाइस देख सकते हो आप, यही है रनिंग ट्रैक, इसी पे बच्चे लोग दौड़ते हैं। सो अभी चलते हैं गेट नंबर 4 से बाहर, गेट नंबर 7 से अंदर घुसे थे, गेट नंबर 4 से बाहर निकलेंगे, और सोच रहा हूँ अभी चलते हैं चाय वाली के पास, क्योंकि जब गांधी मैदान आ ही गया हो तो चाय वाली से भी मिल लेते हैं गाइस, क्योंकि चाय वाली भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। जैसे प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली फेमस हुई, इसी तरह से मोना आत्मनिर्भर चाय वाली वो भी फेमस हो रही है, वो भी समस्तीपुर की और हम भी समस्तीपुर के, क्या गजब का कॉम्बिनेशन बनेगा गाइस। बूम बैम बा बूम पाव। वीडियो के लास्ट तक अभी हम चलते हैं और देख सकते हो गाइस क्या मस्त, अभी 7:30 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी आर्मी का बहाली भी दे रहा है, क्या होगा युवाओं को पता नहीं, लेकिन सभी जो हैं अपना लगे हुए हैं फुल मोटिवेशन, फुल डेडिकेशन और फुल एनर्जी के साथ, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, अभी हम चलते हैं बाहर और फिर आप लोग को दिखाएँगे। और दोस्तों चलिए गेट से बाहर निकलते हुए और जाते हुए चाय वाली के पास। आ गए थे अपने रूम पे, फिर खाना पीना बनाए खाए और बिल्कुल हो चुके हैं अभी रेडी। अभी फिलहाल जा रहा हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि पढ़ाई है, पढ़ाई चलेगा, उसके बाद फिर आगे की जो कार्यक्रम होगा वो आपको दिखाया जाएगा। बाय द वे आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना,
वरना बने रहना चैनल पे। और कल आ रहा है आत्मनिर्भर चाय वाली का ब्लॉग। जी हाँ गाइस, कल जाऊंगा और आत्मनिर्भर चाय वाली का ब्लॉग शूट करूंगा। सो आप लोग बने रहना चैनल पे। जितने भी नए नए सब्सक्राइबर हैं सभी बेल बटन दबा देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। बाद बाकी सबको लव यू रहेगा।